नमस्कार दोस्तों, श्री अमन बाबा जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं केदारनाथ मंदिर की। अगर आप भी यात्रा करने जा रहे हैं तो कम खर्च में केदारनाथ मंदिर की यात्रा कैसे करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कम खर्च में केदारनाथ मंदिर की यात्रा कैसे करें इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने खाने पीने, रहने, टैक्सी और बस के लिए किराए वगैरह सभी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर की यात्रा को कम खर्च में पूरा करने के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप हरिद्वार के अलावा देश के किसी भी कोने में केदारनाथ धाम की यात्रा करने जा रहे हैं तो आप अपने शहर से हरिद्वार जाने और वापस लौटने के खर्च के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि मैं जो हरिद्वार से केदारनाथ जाने और वापस केदारनाथ से हरिद्वार आने का खर्च बताऊंगा, ताकि आप उस हिसाब से अपना बजट तैयार कर सकें। आइए विस्तार पूर्वक से जानते हैं कि कम खर्च में केदारनाथ मंदिर की यात्रा आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिएगा कि केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, जो देश के दिल्ली जैसे बड़े शहरों में से सड़क और रेल मार्ग से काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार जाने के लिए आप ट्रेन और बस दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। हरिद्वार से केदारनाथ जाने के लिए आपको सोनप्रयाग तक रेगुलर बस चलती है, जिसका किराया एक व्यक्ति का 800 रुपये के आसपास है। अगर आप बस, टैक्सी या खुद की कार से केदारनाथ की यात्रा कर जाते हैं तो आपको सोनप्रयाग में ही अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, और सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच 5 किलोमीटर का लगभग यात्रा है जो आपको टैक्सी द्वारा कंप्लीट करनी पड़ेगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब सोनप्रयाग से गौरीकुंड टैक्सी जा सकती है तो हमारी खुद की कार क्यों नहीं, रेंटल टैक्सी, शेयर टैक्सी या बस क्यों नहीं जा सकती। इसका कारण यह है कि जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक टैक्सी चलती है वो टैक्सी वहाँ की लोकल होती है, और वहाँ के लोकल लोग अपनी खुद की कमाई करने के लिए दूसरे जगह की टैक्सी, बस और यहाँ तक कि दूसरों की कार वगैरह को गौरीकुंड में ही रोक लेते हैं, आगे नहीं जाने देते। वे लोग सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक अपनी खुद की ही टैक्सी चलाते हैं, जिसका किराया 30 रुपये है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया है कि पहले आप हरिद्वार से सुबह बस पकड़कर सोनप्रयाग जा सकते हैं, जिसका किराया 800 रुपये के आसपास है, और उसके बाद आप वहाँ से भी टैक्सी कर लेते हैं, जिसका किराया आपको 30 रुपये पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।